Good morning, students. How are you all? I hope everybody is fit, fine, and safe at home. Today, students, we are going to study all the NCERT question answer solutions of chapter 4, that is materials, metals, and non-metals class 8. ठीक है, काफ़ी बच्चे मुझे बोल रहे थे कि वी आर फेसिंग प्रॉब्लम इन इट मैम, तो मैंने इसकी वीडियो बनाई है. देखिए ध्यान से, क्या हमने नोटबुक पे लिखी हैं क्वेश्चंस, है ना, तो आप अच्छे से एक बार ही प्रॉपरली सुन लीजिए. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, ये हमने किया था ना, थ्योरी में किया था, याद आया? थिन शीट्स कौन सी प्रॉपर्टी है? शीट्स वाली कोई भी मेटल है, अगर वो शीट्स में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं मैलेबल. क्या बोलते हैं? मैलेबल. अगर वो थिन वायर्स में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं डक्टाइल. तो थिन शीट्स में कौन सा मेटल कन्वर्ट हो सकता है? जिंक. कौन सा मेटल कन्वर्ट हो सकता है? जिंक. कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. कौन सी करेक्ट है? ऑल मेटल्स आर डक्टाइल. All non metals are ductile. Generally metals are ductile. Some non metals are ductile. देखो ductile का पहले आपको meaning अभी पता है ना मैंने, जिसको हम wires में convert कर सकते हैं. पर देखिए सारे metals को हम wires में convert नहीं कर सकते. ज़्यादातर metals को हम wires में convert कर सकते, तो ज़्यादातर generally metals ductile हैं. सारे metals ductile नहीं है, तो non metals तो ductile है ही नहीं. ठीक है जी, आगे देखिए. Fill in the blanks. देखिए फॉस्फोरस इज़ अ वेरी, हमने चैप्टर में किया कि फॉस्फोरस एक बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है. बहुत जल्दी से रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ. ठीक है, इट्स वेरी वेरी रिएक्टिव. आगे देखिए, मेटल्स आर डैश कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है जी, मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बड़े अच्छे कंडक्टर्स हैं. देन कम आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर. बताइए आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है? मैंने आपको थ्योरी में बताया था, क्या करवाया था कि देखिए रिएक्टिविटी सीरीज होती है. ठीक है, आई विल बी शोइंग यू रिएक्टिविटी सीरीज की भी एक वीडियो बना के मैं आपको शो करूँगी. रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन ऊपर आता है. रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन ऊपर आता है और कॉपर नीचे आता है. जो डिस्प्लेसमेंट, जो रिएक्टिविटी सीरीज में कोई भी एलिमेंट ऊपर होएगा वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे होएगा वो कम रिएक्टिव है. सो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, राइट? आगे क्या आ गया? मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स. ठीक है, चैप्टर में बड़ी बड़ी किया कि मेटल जब एसिड से रिएक्ट होकर कौन सी गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं? हाइड्रोजन गैस. कौन सी गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं? हाइड्रोजन गैस. ठीक है जी, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर रहे हैं. आगे क्या आ रहे हैं? ट्रू फॉल्स. देखिए, जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स. बताइए नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड से? हमने चैप्टर में किया कि यूजुअली मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड से, नॉन मेटल्स ज़्यादातर एसिड से रिएक्ट नहीं करते. सो दिस इज फॉल्स. ठीक है, दिस इज फॉल्स. आगे क्या है? सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल. अभी हमने पीछे किया था पोटाशियम भी बहुत रिएक्टिव मेटल है और सोडियम भी बहुत रिएक्टिव मेटल है. सो इट इज़ ट्रू. आगे आगे कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन. देखो अभी हमने किया कि जो कॉपर है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक. जिंक ऊपर होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, कॉपर नीचे होएगा, तो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. सो दिस इज फॉल्स. ठीक है जी, दिस इज फॉल्स. आगे आ रहा है, कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. कोल इज अ नॉन मेटल, इट इज़ नॉट अ मेटल. तो मेटल्स डक्टाइल, नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं है, तो कोल को हम वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते. सो दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स रिएक्शन. ठीक है जी, आगे देखो. आगे आ रही है प्रॉपर्टीज. ठीक है, प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स. सो यू कैन से दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ये आपको पेपर में 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, 3 to 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. सो मिनिमम ये आप 5 पॉइंट्स याद कर लीजिए. ठीक है, पहले देखिए अपीयरेंस. मेटल्स हैं शाइनी, नॉन मेटल्स हैं डल. हार्डनेस, मेटल्स हैं बहुत हार्ड, वेरी हार्ड. नॉन मेटल्स क्या हैं? हार्ड और सॉफ्ट. मैलेबल, मैलेबल मीन्स कैन बी बीटन इन टू थिन शीट्स. ठीक है,
ठीक है, मेलेबल मीन्स कि उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, लाइक सिल्वर फॉयल हम यूज़ करते हैं ना घर पे, और जो नॉन मेटल्स है दे कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स. सो डक्टाइल, डक्टिलिटी मीन्स कि हम किसी भी चीज़ को वायर्स में, लाइक अब घर की वायर्स वगैरह, कॉपर वायर्स देखो, वायर्स है ना जो कॉपर की बनी होती है ना वायर्स, इयर रिंग्स वगैरह है ना वो भी लाइक सिल्वर की इयर रिंग है, सिल्वर की वायर्स बनी है. सो मेटल्स आर डक्टाइल, दे कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स, पर जो नॉन मेटल्स हैं उनको हम वायर्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं. हीट कंडक्शन, मेटल्स आर परफेक्ट हीट कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के, नॉन मेटल्स पोर कंडक्टर है. इसलिए लाइक खाना, लाइक पैन्स है, सॉस पैन्स हैं, ठीक है, जिसमें गर्म करनी है चीज़, वो मेटल होएगा है ना, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है. जो पीछे जिससे हम पकड़ते हैं हैंडल, उस पर प्लास्टिक वगैरह चढ़ा होएगा है ना, तो दैट इज़ पोर कंडक्टर ऑफ हीट, वो नॉन मेटल है. अगर देखिए कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्लीज़ रिमेंबर मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर पोअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्लीज़ रिमेंबर इट. ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, राइट. आगे आ गई है रीजनिंग, क्या रही है रीजनिंग, ठीक है. रीजनिंग का भी वन मार्क टू मार्क क्वेश्चन आ जाता है, ये ध्यान से देखिए. अल्मीनियम फॉयल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स, क्यों हम यूज़ करते हैं अल्मीनियम को फूड आइटम को रैप करने के लिए, सोचो ज़रा. एक तो अल्मीनियम, अल्मीनियम की जो शीट्स बन जाती हैं, अल्मीनियम मैलेबल है ना, अल्मीनियम मैलेबल है, शीट में कन्वर्ट हो जाता है एंड इट इज़ लेस रिएक्टिव मेटल है ना, खाने के साथ वो रिएक्शन शो नहीं करता. सो इट डज नॉट रिएक्ट विद फूड आइटम एंड डज नॉट ऑल्टर द टेस्ट, में कोई फ़र्क नहीं आता. मोर ओवर बींग अ मेटल, अल्मीनियम इज हाईली मैलेबल एंड कैन बी मेड इन टू वेरी थिन फॉइल्स विच आर परफेक्ट फॉर रैपिंग फूड्स, ठीक है. फूड रैपिंग के लिए हम अल्मीनियम को यूज़ इसलिए कर लेते हैं क्योंकि इट्स हाईली मैलेबल, राइट. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज इमर्शन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेस. हम देखा ना समटाइम्स गीज़र ख़राब हो जाए तो मार्केट से पापा ले आते हैं वो रॉड्स लेके आते हैं ना, इमर्शन रॉड्स. वो क्यों वो हम यूज़ करते हैं, हाँ जी सोचो जी बच्चा. जो इमर्शन रॉड्स हैं वो मेटेलिक सब्सटेंस की बनी होती है, आयरन की बनी होती है, बिकॉज मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इसलिए उसकी बनी होती है. देखिए इमर्शन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेज बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इमर्शन रॉड्स नीड इलेक्ट्रिक सप्लाई टू गेट हीटेड एंड इन टर्न टू हीट लिक्विड्स, ठीक है. तो जो इमर्शन रॉड जो मेटल की बनी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगी है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर, और हीटिंग भी उसकी काफ़ी ज़्यादा होगी, इसलिए हम उसे यूज़ करते हैं, राइट. नेक्स्ट देखिए सी पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है. कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉपर जिंक को क्यों नहीं डिस्प्लेस कर सकता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए जो कॉपर है, कॉपर इज लेस, जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है, आई विल सेंड यू द रिएक्टिविटी सीरीज़. रिएक्टिविटी सीरीज़ में कॉपर नीचे आता है और जिंक ऊपर आता है. जो नीचे एलिमेंट होएगा वो लेस रिएक्टिव है ऊपर वाले एलिमेंट से. हमेशा जो स्ट्रॉन्ग वाला बंदा है ना, जो स्ट्रॉन्ग वाला थोड़ा बड़ा मस्कुलर बंदा, वही जो पतला वाला बंदा होएगा उसको हराएगा ना. तो ऊपर वाला बंदा ही, ऊपर वाला जो मेटल है ज़्यादा रिएक्टिव है, वो ही नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है. नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता रिएक्टिविटी सीरीज़ में. आई विल बी सेंडिंग यू द रिएक्टिविटी सीरीज फुली. देखिए रीड आउट, अ मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन, बट जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर. जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है जी. आगे देखिए, दिस इज़ अ रिएक्शन कि जब कॉपर जिंक सल्फेट का सोल्यूशन, एक्यू मीन्स एक्वस, कि पानी में जिंक सल्फेट है, अगर उसमें आप कॉपर डालोगे तो कोई रिएक्शन शो नहीं होगी क्योंकि कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, राइट. आगे देखिए द फोर्थ पार्ट, सोडियम एंड पोटाशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन, ठीक है. सोडियम एंड पोटाशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन. देखिए क्यों सोडियम पोटाशियम को केरोसिन में हम स्टोर करते हैं, बिकॉज सोडियम और पोटाशियम दोनों हाईली रिएक्टिव हैं. जब भी आप उसको ओपन में रखोगे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर एक्सप्लोड होते हैं, इट्स हाईली एक्सप्लोसिव, ठीक है. सो इट्स वेरी डेंजरस. सो हमेशा सोडियम पोटाशियम को हम केरोसिन ऑयल में डाल के रखते हैं ताकि वो ऑक्सीजन एयर के कॉन्टैक्ट में ना आए और कोई भी डैमेज ना हो,
राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैन यू स्टोर पिकल इन अल्मीनियम यूटेंसिल. हाँ जी बोलो. मम्मा अल्मीनियम की यूटेंसिल में पिकल स्टोर करते हैं, बोलिए. हाँ जी करते हैं, नहीं करते. अल्मीनियम इज़ अ मेटल. मेटल्स आर मोर रिएक्टिव विद एसिड्स. जो पिकल्स होता है, अचार वगैरह होते हैं, उसमें एसिड्स होते हैं. एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट होके रिएक्शन शो करते हैं और वो पिकल को ख़राब कर सकते हैं. सो वी शुड नॉट प्रिजर्व पिकल इन अल्मीनियम. कोई भी मेटालिक के कंटेनर में पिकल को नहीं रखना चाहिए. ठीक है जी, आगे देखिए. आगे क्या आ रहा है? मैच द कॉलम्स. देखो, इट्स वेरी सिंपल. देखो, गोल्ड किस में यूज़ करते हैं? ज्वेलरी में. आयरन मशीनरी बनाने में. अल्मीनियम रैपिंग फूड में. कार्बन को एज अ फ्यूल में. देखो, जो भी आपकी एलपीजी गैस है या कोल है या वुड है, वो किसका बना हुआ है? कार्बन है. उसमें मेजर कंटेंट उसमें क्या है? कार्बन है. कॉपर, जो आपकी वायर्स है, वायर देखो, खोल के देखो, जो सेंटर में वायर्स ही होगी वो किसकी बनी है? कॉपर की बनी है. ठीक है. मरकरी किस में यूज़ होता है? थर्मामीटर में. मरकरी किस में यूज़ होता है? थर्मामीटर में.